आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात डॉक्टर से करवाते हैं और उनसे आपकी समस्याओं का समाधान जानते हैं। और इसी कड़ी में आज डॉक्टर अलीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, और आज हम उनसे आप हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या जो है मेंटल हेल्थ, उसके बारे में बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर आज के जनरेशन और काफ़ी लोगों के मुंह से हमेशा मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात करते हुए सुना है, एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ क्या होता है? देखिए हेल्थ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव या पार्ट्स कहे गए हैं, तो WHO ने भी ये डिसाइड किया है कि मेंटल हेल्थ के बिना हेल्थ इन टोटैलिटी नहीं डिस्क्राइब हो सकती है। मेंटल हेल्थ मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मतलब हमारा ब्रेन से रिलेटेड बिहेवियर और उस बिहेवियर का नॉर्मल रेंज के अंदर रहना। जैसे कि हम सोते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, काम करने की हमारी स्पीड होती है, दिमाग को जो मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड होती है, फैसला लेना यानी कि जजमेंट, जिम्मेदारी उठा पाना, तो ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, ये जो सोशल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दूसरों लोगों से हम जो अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मोटे तौर पे मेंटल हेल्थ में आती है। तो उसमें आपकी नींद भी आ जाएगी, उसमें आपका बिहेवियर आ जाता है, उसमें आपका मूड स्टेट आता है, मनोस्थिति कैसी रह रही है, कैसा फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को जब हम पकड़ते हैं तो इसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और मेंटल हेल्थ बॉडी के लिए बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। इनफैक्ट ब्रेन को कहा जाता है ब्रेन इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन ही ये डिसाइड करता है कि किडनी से कितना रेनिन एंजियोटेंसिन निकलेगा, तो बीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें, बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसका कि मास्टर की ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर से जो 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 प्रोसेसिंग होती है वो मेंटल हेल्थ कही जाती है, और जिसको कि हम लोग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप आजकल देखेंगे बहुत सारे तरीके की घटनाक्रम हो रही है जो अवॉइडेबल है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। हम ये कैसे जाने कि हमें मेंटली या फिर एज सच नॉट एग्जैक्टली मेंटली हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें साइकियाट्रिस्ट की नीड है, या फिर वी नीड समवन जिससे हम अपनी बातें कह सकें, हम इस स्टेज को कैसे पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे आई थिंक जरूरी सवाल यही है कि हम कैसे स्क्रीन करें कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, और हमें हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि जो हमारा यूजुअल बिहेवियर आज तक का कैसा रहा है। तो अगर आज तक का बिहेवियर हमारा जैसा रहा है, उससे सिग्निफिकेंट डेविएशन होने लगा, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ गई जो नहीं होनी चाहिए थी और कुछ ऐसी चीज़ें गायब हो गई जो होनी चाहिए थी। सपोज़ कि हम सब लोग थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं, खुश भी होते हैं, उदास भी होते हैं, उलझन भी होते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। तो हम जो जो एक बेसलाइन है उससे डेविएट करें और उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गए, तो अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ मोटे तौर पे ठीक ठाक है। अब जो हमारे जो सिम्टम्स हैं, जैसे मूड सिम्टम, जैसे उदासीपन होना, उलझन होना, चिड़चिड़ाहट होना, नींद की समस्या, भूख की समस्या, या बॉडी में एक सेंट पेंस हो रहे हैं, मनोस्थिति खराब लग रही है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम हो रहा है या कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, तो ये जो जनरल से जो हमारे व्यवहार थे, आचार व्यवहार, ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, काफ़ी दिन तक होने लगे, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, और इन चेंजेस की वजह से हमारा सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, यानी हमारा जो सामाजिक काम है, जो सामाजिक ढांचा है, वो गड़बड़ हो रहा है, पर्सनली जैसे हम अपने आप को व्यू करते हैं या अपनी जो पर्सनल हमारी इमेज है वो ख़राब हो रही है, काम करने की हमारी कैपेसिटी कम हो रही है, वर्क एफिशिएंसी हमारी डाउन हो रही है, और हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन, स्लीप, एपेटाइट और पेट और ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो लक्षण आ रहे हैं, लक्षण कुछ दिन तक आ रहे हैं, जिसका अलग अलग क्राइटेरिया है डिस्क्राइब, तो कुछ हफ्ते तक हो रहे हैं, और फिर इसके कारण हमारा जो दिनचर्या है सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो रहा है। तो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। एक छोटा पोर्शन होता है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें ऐसे बिहेवियर आने लगते हैं कि जो कि दूर से ही कोई लेमैन भी समझ जाएगा
कि आदमी अपने में बुदबुदा रहा है, इशारेबाजी में बात कर रहा है, या उसको कह रहा है कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है, CIA मेरे पीछे पड़ा हुआ है और सारे दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, या वो क्लेम करने लगे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ और मैं सबसे ऊपर हूँ और मैं बहुत ग्रैंडियोस, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये एक माइनर चीज़ होती है, इसको सीवियर मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये एक छोटा पोर्शन है। सबसे जो जनरल आम तौर पे चीज़ होती है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स की, हमारे यूजुअल बिहेवियर्स ज़रूरत से ज़्यादा होना, ज़रूरत से कम होना, काफ़ी दिन तक रहना, और उसके कारण हमारा सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होना। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आपको डेफिनेटली स्क्रीन करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर, आज के टाइम में जो ओपन माइंडेड पीपल्स है, जो थोड़े हाई क्लास सोसाइटी है, उनके लिए बहुत नॉर्मल है किसी साइकेट्रिस्ट को जाना, उनसे कंसल्ट करना। जनरली देखा जाए तो उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो नहीं किसी से अपनी बातें कह पा रहे, तो वो इजीली साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं। बट जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसको बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। देयर इज लाइक कि ये तो पागल है, ही हैव सम प्रॉब्लम और सी हैव सम प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो हम यही कहेंगे, अपना नज़रिया ठीक करिए। बीमारियों के दो मेजर प्रकार हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब एक वायरस हो गया, जैसे कोविड हो गया, कोविड वायरस आया तो मुझे इन्फेक्शन हुआ और सांस हुई और ये दिक्कत हुई तो ठीक हो गया। दूसरा पार्ट होता है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो हमारी जो ऑर्गन है उस ऑर्गन में कहीं ना कहीं डिसफंक्शन हो रहा है। किडनी में अगर दिक्कत होने लगी तो किडनी फेलियर के साइन आ रहे हैं, या किडनी में से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं जो BP बढ़वाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, या पैंक्रियाज से इंसुलिन गड़बड़ हो गई तो आपको डायबिटीज़ हो रही है। वैसे ही ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन और भी बहुत सारे अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो ब्रेन का जो आपस का जो न्यूरॉन्स, नसों का जो तालमेल होता है, जो जंक्शन बॉक्स होता है, जो बारीक नसें होती हैं जो आपस में टच करती हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरोलॉजिकल जो बैलेंस होना चाहिए वो गड़बड़ाता है। उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है चेंज होता है, जो कि हम जिसको अभी हमने कहा था ना स्क्रीन करेंगे कि सोशल ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन कर रहा है कि नहीं, तो इस कारण से ये बीमारी होती है। तो अब हमने इस कारण को कह दिया, स्टिग्मा इसके साथ अटैच कर दिया कि ये ख़राब चीज़ है, ये गए तो मतलब आप बेवकूफ़ हैं और आप इस तरीके के हैं, तो एक्चुअल हमें अपने नज़रिए में चेंज करने की ज़रूरत है। मानसिक बीमारी भी जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, जैसे थायराइड की बीमारी है, वैसे ही मानसिक बीमारी है। उसी किस्म का इलाज है, उसी किस्म की दवाएं हैं, उसी किस्म का हम ऑर्गन का जो डिसफंक्शन है उसको रीबैलेंस करते हैं, रिकैलिब्रेट करके उसको नॉर्मल रेंज में ले आते हैं। तो इस तरीके से इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है, इलाज बहुत महंगा भी नहीं है, और सिर्फ वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की परसेंटेज बहुत कम है। ट्रीटमेंट गैप अभी जो निमहांस का एक सर्वे हुआ था, ऑल इंडिया सर्वे, उसमें पाया गया है कि बहुत करीब 70-80% लोग इलाज तक पहुंचते ही नहीं हैं। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाते हैं, ये चेंजेस अगर हुए तो वो कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ़ हरकतें कर रहा है, ये तो इरिटेबल है, ये तो बेकार बंदा है, ये करके बात टाल दी गई। कुछ लोग को पता भी चल गया तो उनको यही नहीं पता कि किस डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर भटक रहे हैं और उसका सही इलाज नहीं मिल पाता, तो इसको ट्रीटमेंट गैप कहते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेमेडिएशन है वो है जानकारी, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, अगर ये लोग एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, तो आप ये जान पाएंगे कि मेंटल इलनेस क्या है, इसका इलाज संभव है, इसकी दवाएँ बहुत सेफ़ और सुरक्षित हैं। इसकी दवा खाने से एक भ्रांति जो बहुत है ना कि आपने एक बार दवा शुरू कर दी दिमाग की तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, अडिक्ट हो जाएंगे और आपकी लिवर किडनी ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेडिकल सुपरविज़न में दवाएं ले रहे हैं तो वो दवाएं बहुत ही सेफ़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा होती है, जैसे कि डायबिटीज़ की दवा होती है, वैसे ही सेफ़ है, लंबे दिन चलाई जाती है, क्योंकि वैसे ही ये सिम्टम कंट्रोल के लिए है, और जब सही समय आता है तो बंद करी जाती है। दवा से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसके लिए डॉक्टर ट्रेंड होते हैं, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग को MD डिग्री मिलती है कि इन दवाओं को सही इस्तेमाल कैसा है। तो दवा का गलत इस्तेमाल करने का मतलब दवा में बुराई नहीं है, जो गलत इस्तेमाल कर रहा है वो तरीका गलत है। तो अगर दवा आप सही से यूज़ करते हैं तो बहुत ही सेफ सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर, हमने मेडिसिन की बात करी, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, वो खुद से स्लीपिंग पिल कुछ लेते हैं, तो वो कितना सुरक्षित है? बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए अगर आप खुद से कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कितना सेफ है और कितना ज़्यादा वो हार्मफुल भी है? बिल्कुल, जैसे अगर आप नींद की बात करें
नींद की जो प्रॉपर दवाएं हैं वो एक्चुअली तो हमको ओवर द काउंटर मिलनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको मिल जा रही हैं तो ये तो सिस्टम में कहीं पे फॉल्ट है कि वो दवाएं फ्रीली आपको कैसे मिल रही हैं बिना डॉक्टर के पर्चे के। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मेलाटोनिन है, जिसको सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, तो मेलाटोनिन ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है कि अगर आपको नींद की कुछ शॉर्ट टर्म समस्या है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-4 दिन 10-15 दिन से आगे ये बढ़ रही है तो नींद की समस्या को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नींद की दवा आपने कहीं से जुगाड़ करके परचेस कर ली और फिर खाने लगे, खाने के बाद उसकी आदत पड़ गई और फिर उसके बाद दवा को बदनाम करेंगे कि ये दवा खा ली तो अब हमें आदत पड़ गई। जब आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दवा का तो गलत आउटपुट होगा। डॉक्टर से मिलें। स्लीप का जो वर्कअप होता है एक पूरे एक उसका एक स्टेप वाइज तरीका है, कैसे कैसे स्लीप को स्लीप जो प्रॉब्लम है उसका हम डिटेल्ड वर्कअप करते हैं, उसके बाद उसके इलाज के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर, आज के टाइम में जो किट्स हैं, अगर नोटिस किया जाए तो कोविड के बाद से उनके ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम देते हैं। अभी रिसेंटली में एक इंसिडेंट सामने आया जहाँ पे एक किड ने पबजी के लिए अपनी मदर को शूट कर दिया। लोग इसको हाइप कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट क्यों ऐसे इंसिडेंट्स क्यों सामने आते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? बिल्कुल, बच्चों की अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो पैंडेमिक हुआ उसमें दो पार्ट थे। पैंडेमिक में एक पार्ट तो ये हुआ कि जो कोविड हुआ और पैंडेमिक की वजह से जो हमारे सोसाइटी में चेंजेस हुए उसकी वजह से जो बिहेवियर में चेंजेस हुए, तो इसको साइलेंट पैंडेमिक कहा जाता है कि एक मेन पैंडेमिक चल रहा था लेकिन ये साइड में साइलेंट पैंडेमिक चल रहा था और टिकिंग टाइम बॉम्ब था, ये उस समय नहीं पता चला, ये अब चीज़ें आ रही। अब हम लोग क्लिनिक में बैठते हैं तो इस तरह के बच्चे आ रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि उनमें ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनका आई कॉन्टैक्ट खराब हो गया। जैसे बच्चा पहले ठीक था, 2-3 साल की उम्र तक ठीक था, लेकिन पोस्ट कोविड अब उसमें ये जो आई कांटेक्ट कम हो गया, बोलने की कैपेसिटी कम हो गई, सोशल रिलेशनशिप कम हो गई। और जब हम लोगों ने उसका वर्कअप किया तो भाई पहले सब ठीक ठाक था, उसका स्क्रीन टाइम जब बंद करा दिया हम लोगों ने, मोबाइल टीवी घर के बंद करा दिए, तो 4-6 महीने में दो से तीन महीने के अंदर बच्चे रिकवर भी हो रहे हैं, उसमें मतलब सुधार भी उनमें दिखने लग रहा है। तो जो एक्सेस स्क्रीन टाइम है इसने बच्चों को नुकसान पहुँचाया है। लैक ऑफ स्टिमुलेशन है, जो अंडर स्टिमुलेशन है कि बच्चे को बच्चे का साथ चाहिए ग्रोथ के लिए, बच्चे को बड़े का साथ चाहिए ग्रोथ के लिए। अगर प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं करेंगे, अंडर स्टिमुलेट करेंगे, तो बच्चे का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी गड़बड़ होती है। तो जब उसकी ये चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो बच्चे के अंदर जो रेजिलियंस बोला जाता है ना, कि शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, क्षमता कि भाई हमने लड़ाई झगड़ा करके सुलझा लिया तो हमको ये समझ में आया कि अब इस लड़ाई झगड़े के बाद भी सुधार हो सकता है, तो वो चीज़ एक्सपोज हुई नहीं। तो बच्चों के अंदर डेविएंट बिहेवियर की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, जैसे कि गुस्सा होना, जैसे कि प्रेशर में एकदम से सरेंडर कर देना, कोई भी सडन रिएक्शन दे देना जो किड्स में आज होना। तो जैसे हम घटना सुने उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज इस तरह की घटना पर डायरेक्ट बिना डीप में जाए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि ये ऐसी एक घटना हमको दिखी जो बहुत एक्सट्रीम पे है। लेकिन बहुत सारे माइनर वेरिएशन जब आप देखेंगे कि बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, बच्चों ने पेरेंट्स से बहस लगाने लग रहे हैं, काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये जो सटल चेंजेस हैं ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों में दिख रहा है। आप आसपास अपने बच्चों में देखेंगे तो भी दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमको पकड़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर, आज के वक्त में लोगों के बिहेवियर बहुत इरिटेटेड होने लगे हैं, आईरेट हो जाते हैं लोग छोटी छोटी बातों पे। किड्स भी हैं, शायद उनके पेरेंट्स बहुत फास्ट लाइफस्टाइल में उनको टाइम नहीं दे पाते, अब किड्स को वो सराउंडिंग नहीं मिल पाती कि वो बाहर खेले, तो ऐसे में किड्स के मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए कि किड्स मेंटली हेल्दी रहे? बिकॉज आज के वक्त में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा टेंशन यही है, कहीं ना कहीं फास्ट एंड हार्ड लाइफस्टाइल की वजह से पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते अपने किड्स को, उनकी आपस में भी लड़ाई होती रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो ऐसे में किड्स को कैसे मैनेज किया जाए कि किड्स के मेंटल हेल्थ अच्छे रहे और किड्स हेल्दी हो, वो हेल्दी ग्रोन अप हो? बिल्कुल, तो जो हम बात कर रहे हैं वो हेल्दी पेरेंटिंग की बोलते हैं। पेरेंटिंग का जो शुरुआत होती है, शुरुआत ये होती है कि अगर दोनों पार्टनर का आपस में तालमेल सबसे पहले कैसा है। इनफैक्ट जब हम बच्चों का इलाज शुरू करते हैं तो मोर देन 50% हमें जाके पेरेंट की काउंसलिंग्स इंटरपर्सनल इश्यूज पे जाके लुकती है। बच्चों में अगर हमें बिहेवियरल इश्यूज दिख रहे हैं जिसके कारण हमारे पास वो आ रहे हैं, तो हमको पेरेंट्स की एक्चुअली काउंसलिंग 50% केसेस में करनी होती है। तो शुरुआत ऐसे करें कि जो दोनों पार्टनर स्पाउसेस हैं उनका आपस में तालमेल ठीक होना चाहिए। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो कृपया बच्चों के सामने ना करें,
दूसरे कमरे में जाके करें या बच्चा जब स्कूल गया हो या घर के बाहर जाके लड़ लें। बच्चे को ये नहीं शो होना चाहिए कि उसका जो बेस है वो अनस्टेबल है। बच्चा और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन चैनल ये ओपन होना चाहिए कि बच्चा बच्चे के साथ आपने एक प्रॉपर टाइम स्पेंड किया। बहुत कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बैठ कर उसको कहानी सुना दीजिए बच्चे को, बच्चे से कहानी सुन लीजिए, उसने दिन भर क्या किया ये जान लीजिए, कोई छोटी मोटी हॉबी पकड़ ली जिसको ड्राइंग पेंटिंग या कोई भी गाना हो गया, जिस जो जो आपके घर में जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो जो है, तो ये चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए। बच्चे के साथ अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो मोर देन 50% प्रॉब्लम्स आप अपने से ही सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। डॉक्टर, जैसे कि हमने तो बात करी प्रॉब्लम्स की, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है कैसे ट्रीट करते हैं आप, क्या स्टेप होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं ट्रीटमेंट के, लाइक इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, अगर टिपिकल कंडीशन है तो ट्रीटमेंट के जो स्टेजेस हैं वो कैसे होते हैं? जब भी हम केस वर्कअप करते हैं, जैसे कोई बंदा हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया, तो उसका जो प्रॉपर वर्कअप प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाता है, जिसमें कि पहले केस हिस्ट्री यानी कि पहले उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी जाती है, समझी जाती है, फिर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री यानी घर में किसी और को ऐसी दिक्कत है कि नहीं, कोई नशावृत्ति की उसमें समस्या है कि नहीं, फिर उसका एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें बीपी, पल्स, वेट और हार्ट और ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जनरल इन्वेस्टिगेशंस कि अगर हमको दवा चलानी है तो दवा किस ऑर्गन को टच कर सकती है, या हम कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई उसको एडिशनल दिक्कत होगी तो वो कुछ जाँचें, और उसके बाद डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें यानी पेशेंट से हम लोग बात करते हैं, पेशेंट के गार्जियन से बात करते हैं, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री लेते हैं, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में इंक्वायर करते हैं कोई नशा है कि नहीं, तो उसके आधार पे जो हम लोग के क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स कहे जाते हैं जिसमें ICD और DSM है, उसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि अगर इतनी इतनी चीज़ें हमको मिल गई तो ये डिप्रेशन की डायग्नोसिस है, ये मिल गया तो स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस है, दूसरा मिल गया तो एंग्जाइटी, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट के भी एक इनिशियल फेज़ कि शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा हमको कष्ट वाली चीज़ है उसको हम कंट्रोल करते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलना है, कि 3 महीना चलना है, 6 महीना चलना है, साल भर या और ज़्यादा चलना है, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो हमने केस वर्कअप किया था उसके आधार पे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यही केस वर्कअप का प्रोटोकॉल कार्डियोलॉजी में भी होता है, वही गैस्ट्रो में भी होता है, यही मेडिसिन में भी होता है और यही साइकियाट्री में भी होता है। तो सेम स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट हो जाती है, टारगेट ऑर्गन हमारा ब्रेन है और उसको टारगेट करते हुए दवाएं देते हैं ताकि हम ब्रेन का फंक्शन ऑप्टिमाइज़ करें, तो हमारा बिहेवियर ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर, आज के वक्त में जो ड्रिंक करने की आदत किड्स को ज़्यादा है, स्मोक करने की, जनरली किड्स को देखते हैं 9th या 10th क्लास के किड्स भी स्टार्ट कर देते हैं, वो कितना इफेक्ट करता है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी चीज़ जो अब लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये पाया गया है कि अगर आप थोड़ा भी ले रहे हैं तो वो अनहेल्दी में आता है। पहले कहा जाता है कि थोड़ी सी वाइन ले ली तो वो ठीक चलेगा, लेकिन अब वो सारी चीज़ें डिसप्रूव हो चुकी हैं। अगर आप थोड़ा भी नशा ले रहे हैं तो एक्चुअली वो ब्रेन और बॉडी को डैमेज कर रहा है। अगर आप अर्ली एज में ले रहे हैं तो जब आपके न्यूरॉन्स मैच्योर्ड नहीं है, नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं, तो वो और ज़्यादा डैमेज करेगा। तो अगर कोई बच्चा इस चीज़ में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो चीज़ बहुत फ्रीली अवेलेबल है, या ये इसको एक कोपिंग स्ट्रेटेजी के तहत लेते हैं कि हमें अपनी उलझन घटाने का एक तरीका मिल गया जिसमें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हो गई। तो उलझन क्यों हो रही है ये जानने की ज़रूरत है, और उलझन घटाने के जो नॉर्मल तरीके हैं वो क्या होते हैं। हम खेलने चले गए, हमने फुटबॉल खेल लिया तो भी हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, या बैडमिंटन खेल लिया तो मूड फ्रेश हो जाता है, या ड्राइंग कर ली, या घूमने चले गए, या अपने दादा दादी या मदर फादर से कहानी सुन ली, तो ये चीज़ें या तो एब्सेंट हैं, इन चीज़ों का कमी है, इसके कारण से वो जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं इस पे बच्चा जा रहा है। तो हमको ये चीज़ होनी थी कि जो अडेप्टिव बिहेवियर्स, जो अडेप्टिव कोपिंग स्किल्स हैं, इस चीज़ की ट्रेनिंग जिसको थेरेपी सेशंस बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और फैमिली थेरेपी का मिक्सचर करके हम लोग अप्लाई करते हैं कि बच्चे की प्रॉपर कोपिंग स्ट्रेटजी ठीक हो जाए, तो बच्चा हो या बड़ा हो तो वो नशे की तरफ कम जाके वो जो सही तरीके हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाने लगता है। डॉक्टर, जो भी थेरेपीज होते हैं साइकेट्रिस्ट आप लोगों के द्वारा, कितना ये हेल्पफुल होता है और किस तरह से ये थेरेपीज के प्रोसेस होते हैं? देखिए, थेरेपी के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी थेरेपीज करते हैं। थेरेपी में क्या होता है कि जो
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, सोचने का जो ढंग, उसमें जो गड़बड़ी आ गई है उसको हम पहले आउटलाइन करते हैं, फिर इस आउटलाइन को हम पेशेंट को या जो हमारा क्लाइंट है उसको बताते हैं कि भाई आपकी सोच में देखिए ये समस्या है। फिर इस सोच को अल्टरनेट करने का जो तरीका है वो हम उसको ट्रेन करना शुरू करते हैं कि जैसे अगर मैं किसी से मिला और उसने मेरे तरफ देख के मुस्कुराया नहीं तो इसका मैंने ये मतलब निकाल लिया कि वो मुझसे नाराज़ है और मैं बहुत टेंशन नहीं है और मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ इसलिए मुझे टेंशन नहीं दिया। अगर इसको हम अल्टरनेट तरीके से सोचें कि भाई हो सकता है कि वो किसी और चीज़ में धुन में मगन हो, उसने ध्यान नहीं दिया और ये न्यूट्रल सी बात हो गई, तो एक तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज होना, दूसरा किसी भी चीज़ को थ्रेट की तरह देखना या चैलेंज की तरह देखना। जैसे थ्रेट की, अब कहीं आपको आपके घर में कोई समस्या आ गई, जैसे कोविड आ गया मान लीजिए, तो अब कोविड आ गया कि इसका मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये तो इतनी बड़ी एक आपदा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक सोच ये हो गई। दूसरी सोच ये हो गई कि ये आपदा है, बड़ी है, लेकिन इसी आपदा में हम अपनी जो कैपेसिटी उसको शो कर सकते हैं, अपनी रेजिलियंस को शो कर सकते हैं और इससे जो लड़ने के बेस्ट तरीके हैं वो अपना सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये तो सबके लिए होता है, जो भी बुरी बातें हैं, जो भी बुरी घटनाएं हो रही हैं, किसी की डेथ हो रही है फैमिली में, तो ये हर घर में कहीं ना कहीं हुआ ही हुआ है। तो चीज़ों को यूनिवर्सलाइज करके सोचना कि प्रॉब्लम मेरे ही साथ नहीं है, सबके साथ है, दूसरा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढना है, तो ये मेरे अपने चैलेंज के लिए कि मैं जिसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर आप थ्रेट की तरह देख रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे, अगर आप चैलेंज की तरह देख रहे हैं तो आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, जैसे लॉस ऑफ लाइफ हो गया मान लीजिए, कोई नहीं रहा, तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको आगे बढ़ पाना, तो ग्रीफ, तो ये सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कि एक तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बेस्ड अप्रोच, कि जो चीज़ हमसे नहीं हो सकती है हम वो समझ जाएँ कि भाई अब डेथ होनी है, इनेविटेबल है, होएगी ही, थोड़ा ग्रीव करेंगे बाद में ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, कि हम अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं वो हम मैक्सिमम करें। तीसरा इमोशनल ओरिएंटेड, कि हम जो जैसे हमने बताया ना कि पर्सपेक्टिव चेंज करें, सोचने का ढंग चेंज करें, और जो अदर चीज़ें, जो हॉबीज़ हो गई, जो हमारी बेहतर स्लीप हो गई, फुल स्लीप लेना, प्रॉपर डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस, तो हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, नशे से दूर रहें, ये जो स्ट्रेस कोपिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं इसको अपनाएं, तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर, हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे, जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है वो कितना ओपनली बाहर आए और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है? मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हार्ट की हेल्थ का, जैसे कि स्किन की हेल्थ का, जैसे कि किडनी की हेल्थ का, तो सारी आपकी कोई भी हेल्थ एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई, पहले तो ये समझिए। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसको पाल के क्यों रखना चाहते हैं? अगर आपको कट लगा है, चोट लगी, तो उसका इलाज करना चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन है तो उसका इलाज करना चाहिए। अगर टाइफॉइड हो गया तो इलाज करना चाहिए, और अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो भी इलाज करना चाहिए। तो इलाज करना बहुत ज़रूरी है, इलाज बहुत सेफ़ एंड सुरक्षित है, यूजुअली कॉस्टली नहीं होता है, रीजनेबल कॉस्ट में है। दूसरा इसको पहचानना ज़रूरी, डरिए नहीं कि अब अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए तो हमारे ऊपर ये, भाई ये तो हमारी ही सोच है ना, हम किसी भी चीज़ को बुरा डिक्लेयर करते हैं और उसको अनफाउंडेड जो है, भाई पहले जो था वो था, लेकिन अभी जो हमारे पास दवाएं, जो थेरेपीज़ हैं, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब और बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है साइकियाट्री ओपीडी को चलाना, कि जब पेशेंट पहली बार आया इतना परेशान है, दूसरी बार में ठीक है, तीसरी बार में तो बिल्कुल आके वो ग्लैड हो जाता है कि सर हमारी ज़िंदगी सुधर गई। तो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक साइकियाट्री का है, सिर्फ सही जगह पहुंचना, सही से इलाज कराना और उसको कायदे से फॉलोअप में रखना, और एक दूसरे को बताएं, जैसे कि अब सुसाइडल बिहेवियर कहीं पर आपको दिख रहा है तो उस बारे में बात करना चाहिए हमको, एंग्जाइटी के उलझन, घबराहट किसी के अंदर दिख रही है या सडन मूड चेंजेस हो गए हैं, तो इसको स्क्रीन कराएं, अगर ज़रूरत होगी तो थेरेपी या ज़रूरत होगी तो दवा, उससे करके इसको हम कर सकते हैं। दूसरा आपस में जो सोशल रिलेशनशिप्स है इसको डेवलप करना चाहिए, जो सोसाइटीज़ हैं, जो जो ग्रुप में हमको एक्ट करना चाहिए, तो हमारी समस्याएं कम रहती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम टीवी पे आने के लिए और हमारे ऑडियंस को इतने अच्छे नॉलेज देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, जिन्होंने बताया बारीकी से कि किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। ऐसे और डॉक्टर से मुलाकात के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी का खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा। देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।